सीक्रेट तो मैं भी राजदार हूँ। हाँ, सबसे पहले आप ही हो राजदार। हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन, आज का था ड्रीम गर्ल, पहले मिला था ड्रीम भाई। ओ माय गॉड, टुरुला टुरुला। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपकी शमप्रीत फिर से आ गई हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आज हिंदी में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि लगभग एक साल हो गया है मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त, तो वो लोग बंगाली बिल्कुल नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी एक साल से मेरे हाथ नहीं छोड़े वो लोग। तो आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए, अगर अच्छा लगे हिंदी में मेरे आज का ब्लॉगिंग तो आगे से ये कंटिन्यू मैं करूँगी। तो कमेंट ज़रूर करना और हम लोग, मैं एकदम रेडी सेडी होके फिर आप लोगों के सामने आई हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं। तो किस लिए जा रहे हैं ये रास्ते में जाते जाते बताएंगे, तो साथ में बने रहिएगा। और एक बात और बोलना है कि काफ़ी सारे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल में सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो उनको बहुत सारा वेलकम मैं करती हूँ कि आगे भी आशा रखूँगी आप लोगों का साथ मेरे साथ रहेगा। और अगर मेरा ब्लॉगिंग आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को या फैमिली को रेकमेंड कीजिएगा मेरे चैनल का नाम, और सबको बोलिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ब्लॉगिंग करने में। तो चलिए निकलते हैं, सब रेडी हो गए हैं। तो मैं सोची कि घर में ही थोड़ा सा इंट्रो कर लेती हूँ, तो चलिए बाद में बताती हूँ कि आज का यात्रा किस लिए है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो साथ में रहिएगा। हाय, हेलो, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सीक्रेट। नहीं नहीं, सीक्रेट इतना भी सीक्रेट ट्रिप नहीं, इतना सीक्रेट नहीं, थोड़ा सा बता दो। तो जा रहे हैं नोएडा। हाँ, नोएडा। हाँ, किस लिए जा रहे हैं वो बताएंगे बाद में। अभी सिग्नल में रुके हैं हम लोग, तो साथ में समीर दा। हाय। सीक्रेट तो मैं भी राजदार हूँ। हाँ, सबसे पहले आप ही हो राजदार। हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन, आज का था वो है नोएडा का बेनेली शोरूम। तो आज इसलिए आए हैं कि मेरे हस्बैंड का जो ड्रीम बाइक है वो हमने बुक किया था लगभग 20-25 दिन पहले। तो कौन सी बाइक हमने बुक किया था तो वो अंदर जाके बताते हैं, आज उसका डिलीवरी है। तो सोचे थे इतना अच्छा मौका है तो आप लोगों के साथ शेयर करें, तो चलिए शोरूम के अंदर। हाय, ये है हमारा ड्रीम बाइक
बाद में इसको दिखाते हैं। काफी दिनों से, मतलब लगभग एक महीना पहले से, मेरे हस्बैंड और शमील भैया जो है वो लोग पूरा ये कर रहे थे, बहुत सारा शोरूम घूमे, घूम के पूरा शॉर्ट लिस्ट बनाए, और लास्ट दिन आके मैं आई थी और मेरा बेटा आया था, तो मुझे ये बाइक पसंद आया। वैसे वो यही देखने के लिए आए थे, तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। तो हमने कौन सा कलर लिया है वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसे बाइक का शौक मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है, मैं तो बस, मैं मुझे चलाना थोड़ी आता है, मैं बैठ के घूमती हूँ, मुझे किसी भी बाइक पर चला लो। तो अभी इंतज़ार है ड्रीम बाइक को दिखाने का, तो साथ में बने रहिएगा, दिखाएंगे ज़रूर। दूसरा भी बाइक हम दिखा देते हैं हम लोगों को, यहाँ पे जो रखा हुआ है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, बस मैं आप ही लोगों की जैसे हूँ। पसंद आया ऋषि? हाँ। वैसे तुझको तो पता ही है ना? आज खुश बहुत है, चेहरा दिखाओ, देख चेहरे की रौनक ही बदल गई है, चेहरे की रौनक ही बदल गई है, रौनक रौनक, ये रौनक नहीं है। हाँ तो रजनी सुन, रौनक कब सुन? हट, ड्रीम बाइक मिल रहा है, ड्रीम गन पहले मिला था ड्रीम बाइक। ओह माय गॉड, टुरुला टुरुला, ड्रीम गन पहले मिला था ड्रीम बाइक। ओह माय गॉड, टुरुला टुरुला, 2 3 ये बाइक लिया है, वो बाइक है बेनेली का TRK 502। तो अभी हम लोग, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे बाइक में, और हम कार में आए थे, बच्चे और समीरदा ड्राइव करके बच्चों को ले जाएंगे घर पे, तो इसीलिए कुछ लगा रहे हैं वो हैंडल बार में, क्योंकि कैमरा वगैरह लगाने, आप लोगों के लिए वीडियो लेनी है, इसलिए
थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे, तो साथ में रहिएगा और बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये बाइक। अभी बाइक पूरा रेडी हो गया, थोड़ा टाइम लगा तो अंधेरा हो गया, देख रहे हम लोग घर जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं करते, थोड़ा नज़ारा भी दिखा देते हैं आप लोगों को कि रात का नज़ारा अच्छा लगेगा शायद, तो साथ में रहिएगा। और मैं पूरा एकदम ड्रेसअप करके रेडी हो गई हूँ, गर्मी बहुत लग रही है सही में। तो चलो हम लोग थैंक यू। वैसे ऋषि को तो जाना था कार में, लेकिन फिर बोला कि पापा मुझे एक बार तो चढ़ा लो, तो इसलिए वो चढ़ गया इसमें। तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल डलवाना है, नहीं तो ये बाइक चलेगी नहीं। तो साथ में रहिएगा। तो अभी हम पेट्रोल पूरा फुल करके निकल पड़े हैं घर के, और साथ में रहिए और देखिए पूरे रोड का नज़ारा। और जाते जाते मैं बताऊंगी कि इसका राइड मुझे कैसा लगा और बैक सीट का क्या क्या मतलब कंफर्टेबल है कि नहीं, ये सारा कुछ बताऊंगी। तो थोड़ा चलते हैं आगे, तब बताते हैं। काफ़ी देर से हम चल रहे हैं और इसका मैं रिव्यू एकदम ऑनेस्ट दूंगी, ऐसा नहीं कि नया बाइक है इसलिए अच्छा अच्छा बोलूंगी। सच में बैक सीट जो है इतना कंफर्टेबल है, जबकि मैं बाइक में ज़्यादा राइड करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है बैक में, मुझे साइटिका का प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा देर बाइक में राइड नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अभी तक बहुत चल रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा है। और वैसे चला तो मेरे हस्बैंड रहे हैं बाइक को, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जैसे लग रहा है बहुत स्मूथ राइड हो रहा है। और ये रहा रेड वाली कार हमारी है, जिसमें मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं समीर भैया। तो ऋषि का चेहरा देखने लायक था, बहुत खुश हो गया था। और ये वाली वीडियो मेरी बेटी ने लिया है, कार से हम दोनों जा रहे थे, तो थैंक यू बच्चा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा बढ़ाती नहीं हूँ। बाइक के साथ रास्ते में सफ़र ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोगों से मेरा रिश्ता ऐसे ही जुड़ा रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, और मैं आगे हिंदी में ब्लॉग करूँ या बंगाली में ही ब्लॉग करूँ। तो आज मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, सायोनारा। और आप लोग ना बहुत अच्छा रहिएगा और बहुत खुश रहिएगा। तो बाय बाय।